गुड मॉर्निंग। फिर से हम आज PYQ सेशन में आ चुके हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर BCA का क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन पे हम आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। लेबनीज से एक क्वेश्चन पूछता है लेबनीज थ्योरम पे। क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन बोला क्या कि आप हमको बताइए फोर्थ डेरिवेटिव, इसको आप सिंपल भी बना सकते हैं, बट क्वेश्चन में लेबनीज थ्योरम को यूज करने के लिए बोल दिया। बोला कि फोर्थ डेरिवेटिव बताइए x^4 और साइन एक्स। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो ये x^4 साइन एक्स है, इसमें से एक टर्म मान लीजिए u हम x^4 मान लिए। उसके बाद v मान लीजिए साइन एक्स, ठीक है। हमको फोर्थ डेरिवेटिव की बात कर रहा है, तो फोर्थ डेरिवेटिव के लिए लेबनीज थ्योरम क्या हो जाएगा, 4c0 u4 v प्लस 4c1 u3 v1 प्लस 4c2 u2 v2 प्लस 4c3 u1 v3 प्लस 4c4 u v4। ये मेरे पास है, मतलब कि हमको u1 u2 u3 u4 निकालना है, v1 v2 v3 b4 निकालना है। तो हम जब u1 निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, 4x³। जब हम u2 निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2x² u3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 24x। और हम u4 निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 24। मेरे पास v1 अगर निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है, v2 अगर निकालेंगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, v3 निकालेंगे तो माइनस cos x आ गया, और v4 अगर हम निकालेंगे तो मेरे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस cos, तो ये आ गया साइन x। अब इस सारे वैल्यू को पुट करेंगे, जब हम पुट करेंगे 4c0 का वैल्यू 1 होता है, u4 का वैल्यू कितना है, 24, v का वैल्यू कितना है, sin, v का वैल्यू कितना है, sin x, प्लस 4c1 का वैल्यू 4 होता है, और u3 का वैल्यू कितना है, 24x, और v1 का वैल्यू जो है वो कितना है, cos x है, प्लस 4c2 का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, 4 ये गया तो आ गया 6, कितना गया 6, 4c2 का वैल्यू 6, u2 का वैल्यू कितना है, 2x², और v2 का वैल्यू है माइनस साइन एक्स, प्लस 4c3 का वैल्यू 4, u1 का वैल्यू जो है वो है 4x³, और u3 का वैल्यू है माइनस cos x, 4c4 का वैल्यू 1, u का वैल्यू जो है वो है x^4, और v4 का वैल्यू कितना है, साइन एक्स। रिजल्ट कितना गया, 24 साइन एक्स प्लस 4 × 16, 4 × 8 = 96 एक्स कॉस एक्स माइनस 12 72 आ गया, 72 x² साइन एक्स माइनस 16 x³ कॉस एक्स प्लस x^4 साइन एक्स। हम जो भी टर्म साइन वाला है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ गया 24 माइनस 72 x² प्लस x^4, यहाँ गया साइन एक्स प्लस 96 x प्लस 96 x माइनस 16 x³ कॉस एक्स,
यही मेरा अब क्या गया डेरिवेटिव आ गया भाई। लेबनीज से हम फोर्थ डेरिवेटिव निकाल के आ गए। तो ये था पहला क्वेश्चन इसमें से। दूसरा क्वेश्चन कौन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन बॉन्डेड से है, ये 2017-18-22 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी रिपीट किया है, बार बार रिपीट किया है। बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रीजन कंप्लीटली बॉन्डेड बाय द कर्व y = -x² + x + 6 एंड द लाइन y = 4। y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y जो दिया वो दिया -x² + x + 6 और y बराबर कितना का दिया 4। जब y बराबर 4 पुट करेंगे तो 4 equals to -x² + x + 6 मतलब कि x² - x - 2 = 0। इसका मतलब है कि यहां से फैक्टराइज करेंगे x का वैल्यू कितना गया 2 और -1। हमको मालूम है एरिया के लिए, एरिया के लिए फॉर्मूला मालूम है क्या, लोअर लिमिट कितना है -1, x का वैल्यू कितना है -1 से 2 y into dx इंटीग्रेशन -1 से 2 y का कितना वैल्यू है -x² + x + 6 और ये मेरा गया dx। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा -x³/3 + x² / 2 + 6x। लिमिट कितना से कितना है 2 से 1। वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा -8/3 + 4/2 तो 2 प्लस 12 -1/3 प्लस 1/2 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे -8/2 -3 -8/2 -9/2 तो -3 2 -1/2 12 -6 तो +6 -1/2 जो -3/2 रिजल्ट कितना आ गया 3 -3/2 कितना 6 6 -3 6 -3 तो 3/2 ये आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे ये मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब इस एरिया का ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का होगा और इसका हमको वैल्यू निकालना है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दो क्वेश्चन के साथ और हम लोग कंप्लीट ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो 2-3 साल रिपीट किया हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 साल पूछा है 17-18-22 में, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।